आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ ए सेक्चुअल रिपोर्डक्शन कल हमने किया था कि होता क्या है ए सेक्चुअल रिपोर्डक्शन इसमें फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल होती है फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट एंड विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स ठीक है तो टाइप्स ऑफ ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं आपके फ्यूजन टॉरेशन जिसे हम बर्डिंग भी कहते हैं स्पॉरेशन फ्रेगमेंटेशन रीजनरेशन पार्थिनोजेनेसिस एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सो तो फर्स्टली फ्यूजन इट इज़ अ मोड ऑफ़ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन विच बॉडी ऑफ ए मेच्योर इंडिविजुअल डिवाइड इंटू टू और मोर सिमिलर एंड इक्वल साइज डॉटर यानी कि फिजन ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का वह तरीका है जिसमें एक इंडिविजुअल बॉडी डिवाइड करती है दो में या दो से ज़्यादा सेम साइज़ के डॉटर सेल्स में यानी कि एक इंडिविजुअल से दो या दो से ज़्यादा टोटल इंडिविजुअल बन सकते हैं और ये आपका यूनिसेल ऑर्गेनिज्म प्रोटेस्ट और में पाया जाता है और इस फ्यूजन एक ऐसा तरीका है जिसमें आपका जो इंडिविजुअल है वो डिवाइड करके दो इंडिविजुअल भी बना सकता है या दो से ज़्यादा भी बना सकता है तो कितने इंडिविजुअल बना रहा है उसके बेसिस पर आपकी फ्यूजन होती है आपकी बाइनरी फ्यूजन मल्टीपल फ्यूजन अब जैसे बाइनरी फ्यूजन फर्स्ट आता है फ्यूजन की टाइप्स है बाइनरी फ्यूजन बाई मीन्स टू इसमें क्या होगा कि आपका जो बॉडी ऑफ एन इंडिविजुअल होगी वो डिवाइड करेगी इनटू टू इक्वल हाफ्स में जैसा कि लिखा भी है कि इट इज़ द डिवीजन ऑफ द बॉडी ऑफ एन इंडिविजुअल इंटू टू इक्वल हाफ्स ईच ऑफ विच फंक्शन एज ए इंडिपेंडेंट ऑट इंडिविजुअल यानी कि एक बॉडी डिवाइड करेगी दो डॉटर सेल्स में और वो कैसे होंगे इक्वल होंगे इक्वल हाफ्स में तो ये बाइनरी फ्यूजन हुआ ये आपका यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है और इसमें सबसे पहले क्या होता है कि इसमें न्यूक्लियस पहले डिवाइड करता है उसके बाद इसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है जैसे लिखा है कि बाइनरी फ्यूजन इज अ बाय माइटोटिक डिवीजन और माइटोटिक डिवीज़न ये हमने कल भी किया था कि ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा माइटोसिस ही होती है मियोसिस वहाँ नहीं होती है फिर कॉम्पोनिट बाय माइटोटिक डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस यानी कि पहले क्या होगा डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होता है उसके बाद जो है साइटोकाइनेसिस या जिसको हम क्या बोलते हैं डिवीजन ऑफ साइटोप्लाजम होता है तो ये आपका बाइनरी फ्यूजन है अब बाइनरी फ्यूजन में हमने कहा कि इंडिविजुअल ऑफ बॉडी डिवाइड होगी इंटू टू में ठीक है अब उसमें डिवीजन का तरीका क्या होगा उसमें डिवीजन ऑफ प्लेन क्या होगा कि प्लेन ऑफ डिवीज़न क्या है उसमें वो लेफ़्ट टू राइट डिवाइड कर रहा है या टॉप टू बॉटम कर रहा है तो उसके बेसिस पर आपका बाइनरी फ्यूजन डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है जैसे सिंपल बाइनरी फ्यूजन इसके इसे हम इरेगुलर बाइनरी फ्यूजन भी कहते हैं तो सिंपल बाइनरी फ्यजन में क्या होगा कि डिविजन कहना का थ्रू एनी प्लेन यहाँ पर कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है कि वो उसी डायरेक्शन में करेगा वो किसी भी डायरेक्शन में डिवाइड कर सकता है तो उसे हम क्या कहते हैं इरेगुलर या सिंपल बाइनरी फ्यूजन एग्जाम्पल है अमीबा फिर आता है आपका लॉन्गिट्यूडना बाइनरी फ्यूजन लॉन्गिट्यूड बाइनरी फ्यूजन में क्या होगा कि प्लेन ऑफ फ्यूजन पासिसोंग द लॉन्गिट्यूडन एक्सेज ऑफ द एनिमल बॉडी यानी कि इसमें डिविजन uh, जो है वो लॉन्गिट्यूनली एक्सेज में होता है या हम बोलेंगे कि टॉप टू बॉटम होता है जैसे कि एग्जांपल है यूगलिना अब आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि यूगलिना में जो बॉडी डिवाइड कर रही है वो लॉन्गिट्यूडली डिवाइड कर रहा है यूगलिना बाइनरी फ्यूजन है और ये कैसा है लॉन्गिटूनल बाइनरी फ्यूजन यूबलिना लॉन्गिटूनली डिवाइड करा है लंबाई में ऊपर से नीचे की तरह डिवाइड करा है और ये दो सेल्स में डिवाइड हो रहा है अमीबा का भी आप देख सकते हैं यहाँ पर अमीबा जो है सिंपल बाइंडी फ्यूजन एक से दो और ऑब्लिक थर्ड है ऑब्लिक बाइंड फ्यूजन ऑब्लिक बाइंड्री फ्यूजन मतलब इसमें किसी आ, पर किसी एंगल पर वो डिवाइड करेगा या हम बोल सकते हैं कि तिरछा उसका प्लेन होगा डिवीजन का एग्जाम्पल क्रिएटियम फोर्थ टाइप आती है आपकी ट्रांसफर बाइनरी फ्यूजन ट्रांसफर बाइनरी फ्यूजन में जो प्लेन ऑफ डिवीजन रहता है वो आपका ट्रांसवर्स एक्सेज रहेगी ट्रांसवर्सली या लेफ्ट टू राइट जिसे हम बोल सकते हैं एग्जाम्पल है पैरामीशियम आप देख सकते हैं यहाँ पर कि पैरामीशियम डिवाइड कर रहा है ट्रांसवर्सली ट्रांसवर्स यानी कि लेफ्ट टू राइट डिवाइड कर रहा है और दो में डिवाइड हो गया तो यह क्या हो गया आपका ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन प्लेनेरियंस भी होते हैं प्लेनेरियंस में भी आपका बाइनरी फ्यूजन देखा गया है नेक्स्ट हमारा आता है मल्टीपल फ्यूजन अब हमने कहा कि फ्यूजन जो है वो बाइनरी फ्यूजन हो सकता है बाइनरी फ्यूजन यानी कि जिसमें टू डॉटर सेल्स या टू इक्वल हाफ्स बनेंगे मल्टीपल फ्यूजन में क्या होगा कि आप एक इंडिविजुअल बॉडी जो है वो डिवाइड करेगी इनटू नंबर ऑफ़ डॉटर सेल्स यानी कि उसमें दो से ज़्यादा इंडिविजुअल्स बनेंगे तो नंबर ऑफ डॉटर्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट एक सिंगल पेरेंट से बहुत ज़्यादा यानी कि दो से ज़्यादा इसमें डॉटर्स बन सकते हैं न्यूक्लियस ऑफ द पेरेंट डिवाइड रिपीटेडली टू फॉर्म नंबर ऑफ़ डॉटर न्यूक्लियाई और जैसे कि अभी हमने पहले भी पढ़ा कि पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा तो एक न्यूक्लियस जो है वो लगातार डिवाइड करेगा और बहुत सारे न्यूक्लियाई बनाएगा फिर उसके बाद आपका साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा और फिर वो साइटोप्लाज्म हर एक न्यूक्लियाई के बाहर इकट्ठा होगा और एक नया सेल डेवलप करेगा तो इस तरह से क्या होगा कि एक सेल से आपका या एक इंडिविजुअल बॉडी से आपका जो है बहुत सारे सेल्स बन जाएंगे एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम अमीबा इसके एग्जाम्पल है